वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को इन्जॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एस ऑफ वॉन्ट्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ट्स, द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स। इसको मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ कि ये क्यों आया है। ओके, तो यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। एक पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन महसूस करते हैं और आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है। और अपोजिट जेंडर में ही है ज़्यादातर केसेस में, और कुछ परसेंटेज में जो है सेम सेक्स के भी हो सकते हैं। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आया, एस ऑफ पेंटिकल्स आया, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया, द स्टार आया, सेवन ऑफ सॉर्ड्स है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो हायरोफेंट से क्लैरिफाई है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है आपको छुप कर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी डीप डिज़ायर ये है कि आपके साथ एक कमिटमेंट में आ पाए, एक ट्रेडिशनल मैरिज में आ पाए, लेकिन वो जो है आपके सामने नहीं बोलते हैं। हो सकता है आपका जो है मैरिज को लेकर जो कंसेप्ट हो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, इस वजह से जो है वो जो मैरिज है या ये सब चीज़ें हैं उसको जो है छुपाते हैं। इस पर्सन के मन में बेहद आपके लिए पैशन है और एक जो है सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की इच्छा भी है। ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग शुरू करने की इच्छा रखते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं एक रिलेशनशिप के तरीके से। लेकिन वो जैसे मैंने कहा, आपको एक्सप्लेन किया कि ये पर्सन की मन है कि वो आपसे शादी करें। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि लोग जो है वो रिलेशनशिप में आते हैं और शादी करना चाहते हैं, बट आप जो व्यूअर हो उनका रिलेशनशिप तो रखने की इच्छा है लेकिन मैरिज से जो है वो थोड़ा सा आप दूर हटना चाहते हो या एकदम से इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और ये पर्सन आपको हील करेंगे, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है। तो आपको बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं ये पर्सन। आप इनसे जो है उम्र में छोटे हो सकते हो या 6 महीने का जो है या 6 वीक्स का जो है गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में। आपका एक ही होम टाउन हो सकता है या एक ही सिटी हो सकती है, कुछ ऐसी एनर्जी भी है। और अगर जो लोग जो है वो फॉरेन में रहते हैं या अलग सिटी में रहते हैं तो भी जो है उनको जो है एक होम की सेंस जो है वो आपसे आती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के हो और आपको जो है यही चीज़ अच्छी लगती है कि आप जो है किसी के अंडर नहीं आओ, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे जो है एक अर्थ एनर्जी है और एक फायर एनर्जी है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जो व्यूअर है वो फायर एनर्जी के हैं और जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं वो अर्थ एनर्जी के। तो वो काफ़ी स्टेबल एक सिक्योर रिलेशनशिप की इच्छा रखते हैं लेकिन वो बताते इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप एकदम से जो है शायद भड़क जाओ, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं आपकी तरफ जो है वो एक प्रपोजल देना चाहते हैं, लविंग प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। द मैजिशियन आया है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट में आ रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनली जो है ये शादी ज़रूर होगी लेकिन ये कुछ जो है वो 3 महीने से लेकर 6 साल तक रिलेशनशिप चलेगा। उसके बाद जो है ये पर्सन जो व्यूअर हो आप जो है वो सहमति दोगे क्योंकि आप ये पहले इंश्योर होना चाहते हो कि आपकी शादी जिससे हो रही है वो ऐसा तो नहीं कि वो बाद में बदल जाएगा या जाएगी, या फिर जो है आपके मन में किसी तरीके का डर है। हो सकता है आपके चाइल्डहुड में जो है आपने आपके एनवायरनमेंट में डिवोर्स्ड पेरेंट्स देखे हों या आसपास बहुत अच्छा जो मैरिज वाला जो सर्कल है वो ना देखा हो, इसकी वजह से जो है आपके मन में ये सब चीज़ें हों। तो यहाँ पे फीलिंग्स की अगर बात करी जाए तो उनके मन में फीलिंग्स यही हैं कि वो आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं, खुशी से रहना चाहते हैं, आपके साथ जो है एक कह सकते हैं पेरेंटहुड में आना चाहते हैं, आपके साथ वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, बच्चों को देखना चाहते हैं, सब तरीके से है यहाँ पे। और एक दूसरे का साथ निभाने की इच्छा रखते हैं क्योंकि ये लास्ट में तभी हो पाएगा जब आप जो है राज़ी होंगे, तो ऐसी एनर्जी है। और इस पर्सन को जो है वो लास्ट में टेन ऑफ कप्स भी दिखता है आपके साथ, चेरियट भी है, लेकिन आपको इसके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए जो व्यूअर है जो देख रहे हैं शेडो वर्क करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। उनकी फीलिंग्स में यही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ये है कि आप
आपको जो है वो शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका डर है या कोई और इशू है आपके दिमाग में चलता है या सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, उसको जो है हील होने की ज़रूरत है। कुछ समय लगेगा ज़रूर, जो मैंने आपको टाइमिंग दी थी, जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर फुलफ़िल होगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। दिस फेरी गॉड मदर होल्ड्स द जॉयस न्यूज़ ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ चेरिश्ड आइडिया। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज़ एज यू वुड बी अ बेबी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मैनिफेस्टेशन। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। बी वेरी ऑनेस्ट एंड अबाउट वॉट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर एंड मैनिफेस्ट स्टेप वन। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको वही चीज़ मैनिफेस्ट करनी चाहिए जो आपके लिए सही है। लोगों को देख के आप जो है उत्तेजित या एक्साइटमेंट में ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। और अपनी लाइफ में जो है आप वो सब क्रिएट कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। आप भी चाहते हो कि आपकी हैप्पी फैमिली हो, लेकिन आपके मन में डर है। डर किसी वजह से है, कोई ना कोई कारण होगा, सबकॉन्शियस माइंड में है। इसी वजह से जो है ये पर्सन भी आपको एकदम से जो है नहीं कहते हैं। धीरे धीरे जो है रिलेशनशिप आपका गहरा हो रहा है, आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। जो लोग प्रॉपरली रिलेशनशिप में नहीं है तो किसी से बातचीत कर रहे हो जो कि रिलेशनशिप में टर्न अप हो जाएगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। यू आर माई टाइप। नेक्स्ट आ रहा है यू आर इनफ। नेक्स्ट आ रहा है इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। तो वो तो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, यू आर वेरी स्पेशल। और नेक्स्ट आ रहा है चूज़ लव। तो वो चाहते हैं कि आप ये सब करो और उनके साथ एक इस बॉन्डिंग में आओ, लेकिन शुरुआत में आप थोड़ा सा फ्रीडम चाहोगे। चलिए देखते हैं कुछ चांस। यह भी ट्री ऑफ लाइफ आया है यहाँ पे, जो है स्टार आया है, हीलिंग है यहाँ पे, लव है, पास्ट लव का जो है ये पर्सन है, पास्ट लाइफ से, सॉरी, ठीक है। और हनी भी आया, तो एफर्ट्स लगेंगे दोनों के, लेकिन यहाँ पे प्यार जो है वो टिकेगा भी और आगे चलेगा भी, तो निभाने वाला ये इंसान है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। दिल का भंवर करे पुकार, ये बहुत पुराना गाना है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए तुमसे, वरुण जैन और शिल्पा राव ने गाया है। और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए आई लव यू बॉडीगार्ड का है। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे, और वो जो है आपके लिए वो सब कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।